स्टूडेंट्स, दिस इज वैशाली जैन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में यहाँ पर बात करने वाले हैं घन यानी क्यूब। ये चैप्टर है आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड, और उसमें हम आज पहले बात करेंगे घन की, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम क्यूबॉइड की। एसएससी बेस्ड जो भी आपके एग्जामिनेशन होते हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, कोई सा भी पुलिस का एग्जाम हो, या एसएससी के बेस पर जो आपके एग्जाम होते हैं, उन सभी में इससे क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में। और आपका जो बैंकिंग होता है, बैंकिंग में इससे क्वेश्चन नहीं आता है। तो आज यहाँ पर बात करेंगे हम क्यूब की। क्यूब क्या होता है पहले उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे बेसिक, देन चलेंगे किस टाइप के आपके क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। बस आपको क्या करना है, बोर्ड पर फोकस करना है और अच्छे से समझना है क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने एक बार समझ लिया तो कभी इसके क्वेश्चन को आप कभी छोड़कर नहीं आओगे एग्जाम में। इतना इजी टॉपिक है। देखिए, अगर मैं क्यूब की बात करती हूँ, क्या है ये? एक आपका बॉक्स हो गया। क्यूब की क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है क्यूब की? इक्वल होती है। क्यूब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? इक्वल होती है। तीनों चीजें इसकी क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, ये आपका क्या बन गया? क्यूब। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करती हूँ इसमें क्या क्या होता है, देखिए इसमें सरफेस, अगर मैं बात करती हूँ सरफेस यानी सतह, सरफेस यानी सतह, कितनी सतह होती है इसमें? अब एक बात बताइए, कोई बॉक्स अगर मैं यहाँ पर देखिए, मेरे पास यहाँ पर ये बॉक्स पड़ा हुआ है, ये तो क्यूबॉइड हो गया। इसकी क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा रही हूँ। ये क्या हो गया? एक बॉक्स है। अब आप इसको समझिए, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान है, समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है? ये इसकी सतह हो गई। ये जो आपको दिख रही है ना, ये क्या हो गई? इसकी सारी सतह। एक ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई और ये, तो ये इसको क्या बोलते हैं हम? सरफेस, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? सतह। देखिए, ये ऊपर वाली हो गई, नीचे वाली, ये दोनों साइड की और ये आगे और पीछे की। तो सतह की अगर मैं बात करूं, यहां पर कितनी सतह होती है? छह सतह हो गई, सरफेस। और अगर मैं बात करूं साइड की, तो साइड कितनी होती है? साइड यानी भुजा, भुजा कितनी होती है इसमें? तो आपकी जो भुजा होगी ना, देखिए कितनी होगी, अभी मैं आपको काउंट करके बताऊंगी। ये भुजा नहीं होती है, भुजा होती है ये लाइन, देखिए एक, दो, तीन, चार, चार ही इधर हो गई, एक, दो, तीन, चार, चार दुनी आठ, नौ, दस, ग्यारह और ये बारह। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये भी आप यहां पर लाइन से काउंट कर सकते हैं, ये कितनी होती है यहां पर? बारह होती है। अगर मैं बात करती हूँ कॉर्नर्स की, किसकी बात करती हूँ? कॉर्नर कितने होते हैं इसमें? थोड़ा सा ये समझ लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं बात करती हूँ इस बॉक्स में कितने कॉर्नर है, कितने कोने हैं? एक, दो, तीन, चार, चार तो ऊपर हो गए, पांच, छह, सात और आठ, कितने कोने हो गए? आठ यहाँ पर आपके कोने हो गए यानी कॉर्नर हो गए। और मुझे उम्मीद है अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं। देखिए, अगर मैं इस बॉक्स को ऐसे रख देती हूँ ना, तो कुछ आपको तीन फेस दिखाई देगी इसकी सिर्फ, है ना? अगर मैं ऐसे बॉक्स को रखूंगी टेढ़ा करके, तो सिर्फ इसकी आपको एक, दो, तीन, तीन साइड्स दिखाई देंगी। ठीक है, चलिए अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या होता है, एक डाइस होता है। जब हमने एक डाइस को कट किया, एक डाइस है, एक डाइस है, उस पर हमने क्या किया, कोई कलर कर दिया। अब सपोज कीजिए ये मेरे पास डाइस है और मैंने इस पे क्या कर दिया, पूरा लाल कलर कर दिया बाहर से, और फिर मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में काटूंगी। अब देखिए, आपका क्या है, ये डाइस है, सॉरी क्यूब है, डाइस नहीं क्यूब। बहुत बड़ा सा मैंने जान के बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये क्या है, ये आपका एक क्यूब है। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर पार्ट में कट कर दिया। इसकी जो भुजा की लंबाई थी वो छह थी, लेकिन मैंने क्या किया, दो दो सेंटीमीटर के पार्ट्स में इसको कट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर एक कट लगा देती हूँ, यहाँ लगा देती हूँ, दो दो सेंटीमीटर के पार्ट्स में इसको कट कर सकती हूँ, यानी ये भी दो और ये भी दो ऐसे। ठीक है, यहां से कट करूंगी, देखिए ये यहां से भी कट करूंगी ऐसे, और यहां से ऐसे जाएगा, ये भी दो दो सेंटीमीटर के पार्ट्स में कट होगा, ऐसे कट होगा, यहां पर ऐसे कट होगा, सारे दो दो सेंटीमीटर के पार्ट में ये कट हो जाएंगे।
ये आपका क्यूब था और इस पे क्या किया मैंने, लाल रंग का पेंट किया और इसको कट कर दिया। ये क्या था, एक क्यूब था और इसकी जो जो इसकी साइड थी, सतह थी, मैंने उस पे क्या किया, लाल रंग का कलर किया और इसको अब मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब एक बात बताइए, मैंने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, लेकिन कट कितने मारे मैंने, एक कट ये मारा और एक कट ये मारा। मतलब अगर मैंने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, अब देखिए एक भुजा 6 थी तो कितने पार्ट होंगे उसके, 3, लेकिन कट कितने लगेंगे, 2। अब मैं सपोज कीजिए 12 है, 12 सेंटीमीटर की भुजा है और 3 सेंटीमीटर के पार्ट में काट रही हूँ, ठीक है, तो कितने यहाँ पर एक कट कितने का होगा, 4 सेंटीमीटर का, लेकिन कट कितने लगेंगे, ये 4 सेंटीमीटर के 3 कट लगेंगे, है ना, ये कट हम 3 यहाँ पर मारेंगे। इतना समझ में मुझे उम्मीद है आपको आ गया होगा। अब यहाँ से जो समझाने वाली हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। जब एक बात बताइए, हमने ऐसे कट मारा, ठीक है, ये पार्ट अलग निकल जाएगा, ये वाला पार्ट अलग आ जाएगा, ये वाला पार्ट आपका अलग आ जाएगा। अब एक बात बताइए, जब हमने इसको निकाला तो इसके कितने पार्ट कवर, मतलब कलर्ड होंगे, कितने पार्ट ऐसे होंगे जो रंगे हुए होंगे सतह के, इस डाइस में, ये जो डाइस हमने छोटा डाइस निकाला है, स्मॉलर डाइस की बात कर रही हूँ, इसकी कितनी सतह आपकी पेंटेड होगी आप बताइए। देखिए एक तो ये वाली सतह पेंट रहेगी, एक ये वाली रहेगी और ये रहेगी, जब पीछे से निकालोगे तो वो तो रंगीन रहेगा ना, तो इसकी कितनी सतह क्या है यहाँ पर, ये इसको क्या बोलेंगे, इसको पहले हम नाम दे देते हैं एक बार सभी को। तो यहाँ पर ये हमने कॉर्नर से निकाला तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको क्या नाम देंगे हम इसको क्या नाम देंगे यहाँ पर, कॉर्नर क्यूब्स, है ना, यानी शीर्ष घन। क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया आपका शीर्ष घन। अब देखिए एक यहां से निकलेगा, ठीक है, ये यहां से निकलेगा, इसका क्या नाम हो जाएगा आपका, मिडिल क्यूब। क्या हो जाएगा इसका नाम आपका, हो जाएगा, ये देखिए बीच से निकल रहा है ना आपका, तो ये क्या हो गया, मिडिल क्यूब्स, यानी मध्य घन। इसमें कोई दिक्कत हो किसी को तो बताइए, इसका क्या नाम हो गया आपका यहाँ पर, मध्य घन यहाँ पर इसका नाम हो गया। अब देखिए ये वाला क्यूब आपका निकलेगा, देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, ये वाला जो क्यूब है ये तो आपका कॉर्नर का हो गया, ये वाला भी कॉर्नर हो गया, ये भी कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, ये आपके मिडल के हो गए, ये वाले, ये भी मिडल का हो गया, इसके बैक से ये भी मिडल, और एक ये बचेगा, तो ये कौन से आपके क्यूब होंगे, ये वाले आपके क्यूब होंगे सेंट्रल क्यूब। कौन से क्यूब होंगे, सेंट्रल क्यूब यानी केंद्रीय घन। अब यहां पर एक चीज को ध्यान से समझना, अब देखिए कॉर्नर घन थे, इसकी कितनी सतह आपकी कलरफुल थी, कितनी सतह पर आपकी पेंट था, इसकी आपकी 3 सतह पर पेंट है ना, 1 2 3। अब देखिए जो आपकी मिडल वाली है, मिडल वाली पर कितनी सतह पर आपकी पेंट है, एक तो इस वाली पर है और एक इस वाली पर है, और तो किसी पर नहीं है, तो इस पे कितनी सतह पर पेंट है आपका, 2 सतह पर यहाँ पर पेंट है। अगर मैं बात करती हूँ इस वाली की, इस वाली के पे कितनी सतह पर पेंट है, सिर्फ 1 सतह पर पेंट है ना, क्या कोई ऐसे क्यूब होंगे जिसकी 3 से ज्यादा सतह पर पेंट होगा, नहीं, क्यूब में ऐसे कोई आपके स्मॉलर क्यूब्स नहीं निकलेंगे जब आप काटोगे कि उनकी 3 से ज्यादा सतह पर आपका पेंट मिले, मैक्सिमम 3 सतह पर पेंट आपका मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, कुछ ऐसे क्यूब भी होंगे क्या कि जिनकी किसी भी सतह पर पेंट नहीं होगा, जिनकी किसी भी सतह पर पेंट नहीं होगा, बिल्कुल जो आपके इसके अंदर से निकलेंगे ना, ये तो साइड साइड के आपको दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से भी आपके क्यूब निकलेंगे, उनकी किसी सतह पर पेंट नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इनर सेंट्रल क्यूब्स। क्या बोलेंगे, इनर सेंट्रल क्यूब्स यानी अंत केंद्रीय घन। क्वेश्चन आ सकता है इसकी 0 सतह पर, यानी कोई सरफेस इसका पेंटेड नहीं रहता है, कलरहीन रहते हैं, कलरलेस रहते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे जब हमने इसको पार्ट्स में कट किया तो ऐसे कितने क्यूब निकल कर आएंगे जिसकी सतह क्या होगी, जिसकी 3 से ज्यादा सतह पर कलर है, 4 सतह पर कलर है, तो क्यूब में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी 3 सतह पर ये क्या है, 3 सतह इसकी कलरफुल रहेंगी, इसकी 2 सतह, इसकी 1 सतह, इसकी भी 2। देखिए यहाँ पर मैं पूरा आपके लिए लिख देती हूँ किसकी कितनी सतह कलर
कलरफुल रहेंगी यानी पेंटेड रहेंगी। यहां पर तो आपका एक आएगा, यहां पर भी दो आएगा, यहां पर आपका तीन। अब देखिए कॉर्नर्स क्यूब, आपको पता है जिसकी तीन सतहों पर पेंट है कॉर्नर। अभी मैंने आपको बताया था कॉर्नर कितने होते हैं, घर में आठ कॉर्नर होते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको क्यूब से क्वेश्चन मिले और पूछे कि ऐसे इस अगर हम इसको छोटे पार्ट्स में कट करें, जब हम इसको छोटे पार्ट्स में कट करते हैं कितने ऐसे क्यूब होंगे, छोटे क्यूब जिसकी तीन सतहों पर पेंट होगा, तो वो कॉर्नर क्यूब होंगे। उसका आंसर सीधा डायरेक्ट आठ होगा। कोई फॉर्मूला इसमें हमारा यूज यहाँ पर नहीं होगा। अभी सब चीजें आपको यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऐसे कितने मध्य घन निकलेंगे इससे, ये डिपेंड करेगा आप कितने कट लगा रहे हैं, मतलब कितने लेंथ में उसको कट कर रहे हैं, कितनी लंबाई के आप घन निकाल रहे हैं, ये सब उसी पे डिपेंड करेगा। और इसका फॉर्मूला होता है 12n-2। अगर मैं केंद्रीय यानी सेंट्रल घन की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होगा 6n-2 का स्क्वायर। क्या होगा, 6n-2 का इसका फॉर्मूला होता है। और अगर मैं अंतः केंद्रीय घन की बात करती हूँ तो n-2 का क्यूब क्या होगा, अंतः केंद्रीय घन आपके यहाँ से निकल जाएंगे। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब बात आती है कि ये जो n है ये कहाँ से आया, बात तो यही आएगी ना कि अब ये जो n है ये कहाँ से टपक गया। अभी बताते हैं कहाँ से टपका है ये n की जो आपकी मान होगा ना वो क्या होगा, जो बड़े वाला घन होगा, बड़े घन की जो भुजा होगी ना आपकी, ये रेशो होता है बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा का रेशो। और ये क्या हो गया, छोटे घन की भुजा, ये आपका n निकल कर आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 सेंटीमीटर का बड़ा घन था और उसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काट दिया गया तो कितने घन बनेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाता है टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स बताइए कितने होंगे, तो आप कैसे निकालोगे, सीधा आपका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने का n की पावर 3। यानी अगर मैंने जैसे ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर लिया था, इसी में सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया था, अगर मैं आपसे पूछूं 6 सेंटीमीटर का एक घन था और उसको मैंने क्या किया, उसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काट दिया, तो ऐसे कितने घन बनेंगे जिसकी तीन सरफेस क्या होगी, पेंटेड होगी। ये एक पेंटेड घन है, बोलेगा वो एग्जाम में कि एक पेंटेड घन है, ठीक है। तो ये एक ही कलर से यानी रेड कलर से सपोज कीजिए पेंट किया हुआ है, तो ऐसे कितने घन बनेंगे जिसकी तीन सतहों पर लाल रंग होगा। तो देखिए आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, आपको पता है इसका आंसर आठ आएगा क्योंकि कॉर्नर्स है और कॉर्नर्स हमारे आठ होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ऐसे कितने घन बनेंगे जिसकी दो सतहों पर लाल रंग होगा, तो पहले हमें n की वैल्यू निकालनी होगी। तो बड़े घन की भुजा 6, छोटे घन की 2, तो कितनी आ गई 3। n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 3। और इस फॉर्मूले में अगर हम मान रख देते हैं तो यहाँ कितने बनेंगे आपके, 12 बनेंगे। 12 घन ऐसे बनेंगे जिनकी दो सतहों पर पेंट होगा। अगर मैं एक घन की बात करती, मतलब एक सतह की बात करती हूँ, तो यहाँ पर आपके कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। और मैं n माइनस 2 की बात करती हूँ तो ऐसा कितना घन होगा जिसकी मतलब किसी भी सतह पर क्या होगा, लाल रंग नहीं होगा, वो रंगहीन होगा। आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितनी सतह रंगहीन होंगी, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो क्या है इसका आंसर एक। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ टोटल कितने क्यूब्स आपके यहाँ पर बन रहे हैं, इसको जब आप काट रहे हैं तो देखिए 3 आ रहा था और यहाँ पर 3 की पावर 3 कितना होता है आपका, 27। तो कितने घन आपके बनेंगे, 27। और एक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले से आपके आंसर आ जाएंगे। और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अभी एक दो एग्जांपल और लेंगे हम ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, या फिर आप क्या कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए ये फॉर्मूले लिखे रहने देती हूँ, यहाँ पर ये रब कर देती हूँ, या फॉर्मूले एक साइड में भी लिख सकते हैं। मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखूंगी, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर आपको मतलब इन्फॉर्मेशन बता दूंगी क्या है क्या नहीं है।
तो यहाँ पर अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, अगर आपको बोला जाए कोई एक क्या है आपका, जैसे आपको बोला जाए एक 18 सेंटीमीटर जो है 18 सेंटीमीटर, तो जैसे आपसे यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूँ, जैसे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके इम्पोर्टेंट है, किस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक एग्जाम्पल में मैं यहाँ सारे आपके क्वेश्चन कराने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आपसे बोला जाए एक 12 सेंटीमीटर का रंगा हुआ घन है, 12 सेंटीमीटर का, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ कितने सेंटीमीटर का, 12 सेंटीमीटर का रंगा हुआ घन है, उसको क्या किया है 3 सेंटीमीटर के, ये क्या है आपका बिग वाला जो आपका घन है, क्यूब है वो है, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है बड़ा घन है, बड़े घन की भुजा यहाँ पर ये दी गई है, 12 सेंटीमीटर का रंग जो आपका एक पेंटेड क्या है क्यूब है, और उसको 3-3 सेंटीमीटर के छोटे क्यूब में काटा जाता है, ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में आपने उसको काटा, तो अब आपको यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बताने हैं, ऐसे कितने घन होंगे जिसकी क्या होगी 3 सरफेस यानी 3 सतह क्या होगी पेंटेड होगी, यहाँ पर सभी कराने वाली हूँ, 2 सरफेस आपकी क्या होगी पेंटेड होगी, जिसकी 1 सरफेस आपकी क्या होगी पेंटेड होगी, जिसकी क्या होगी कलरलेस सरफेस कितनी होगी, या आपसे पूछा जा सकता है 4 सरफेस पेंटेड बताइए, या आपसे पूछा जा सकता है ऐसे कितने घन बनेंगे जिसकी एटलीस्ट 2 सरफेस क्या होंगे पेंटेड होंगे, या आपसे पूछा जा सकता है एटमोस्ट 1 सरफेस पेंटेड, ये कुछ क्वेश्चंस इससे आपके बन सकते हैं, या आपसे पूछा जा सकता है टोटल नंबर ऑफ क्यूब, जब इसको काटेंगे तो कितने टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स आपके कितने बनेंगे, तो ये आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर अब इस चीज को ध्यान से समझ लेना जो आपको समझाने वाली हूँ, क्वेश्चंस हैं आपके ये, अगर मैंने बोला 12 सेंटीमीटर का बड़ा घन है तो उससे 3-3 सेंटीमीटर के छोटे घन काटे जाते हैं, तो एन की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या होगी 12/3 यानी 4, एन की वैल्यू कितनी होगी आपकी 4, अब आपको पता है 3 सरफेस अगर पेंट है तो क्या होगा फॉर्मूला हमेशा क्या होगा 8, कितने आपके घन क्या होंगे, कितनी सरफेस 3 जो सरफेस है वो कब पेंटेड होगी, जब वो कॉर्नर्स क्यूब होंगे आपके, है ना। अब देखिए 2 सरफेस पेंटेड है, आपका फॉर्मूला है 12 एन माइनस, अब देखिए एन क्या है यहाँ पर 4 है, तो 4-2 तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे आपके 48, कितने आ जा यहाँ पर क्या आंसर आएगा सॉरी 24, यहाँ पर क्या आंसर आएगा 24, ऐसे आपके छोटे घन होंगे जिसकी 2 सरफेस पेंटेड होगी, यहाँ पर एक सरफेस पेंटेड से पूछा जाता है तो 6n-2 की पावर, तो देखिए n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 6 × 4 कितना होता है आपका 24। अब यहाँ पर बोला गया है कलरलेस आपके सरफेस आपको बताने हैं जिसका कोई भी सरफेस जो है वो पेंटेड नहीं है, ऐसे कितने बनेंगे वो भी यहाँ पर अगर हम देखें तो कलरलेस आपके जो सरफेस होंगे यहाँ पर फॉर्मूला क्या है n-2³ और n क्या है आपका 4, तो यहाँ आंसर क्या आएगा 8। अब देखिए 4 सरफेस पेंटेड से आपका पूछा गया है, कितने 4 फेसेस, क्या 4 इसके जो क्यूब आप बना रहे हो क्या इसके 4 सरफेस पेंट होंगे क्या, नहीं, मैंने आपको बोला था नहीं होंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स पे अगर हम पहले जाएं, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे n की पावर 3 यानी कितने हो जाएंगे 64। अब देखिए जब आप इन तीनों को जोड़ोगे ना ये 64 ही निकलेंगे, देखिए 8 और 8 16 और 48 कितना होता है 64 होता है, तो यहाँ पर आंसर आपका आ गया। देखिए यहाँ पर बोला गया है एटलीस्ट 2 सरफेस पेंट हो, हमें क्या बताना है जिसके कम से कम 2 सरफेस तो पेंट हो ही हो, तब बोल दिया है कम से कम 2 सरफेस पेंट हो, तो मतलब 2 तो होंगे ही 3 भी तो हो सकते हैं,
तो दो सरफेस और तीन सरफेस वाला हमें यहाँ पर आंसर निकालना है। दो सरफेस आपके 24 है, तीन सरफेस आपका क्या है 8। तो क्या आंसर आ जाएगा, इस बात पे आप ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा, जब एटलीस्ट और एटमोस्ट आए। अब यहाँ पर क्या बोला है, एटमोस्ट वन सरफेस पेंट, जिसका ज्यादा से ज्यादा एक सरफेस पेंट हो, एक से ज्यादा उसका सरफेस पेंट नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, और एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। ध्यान रखना ये टर्म पूछा जाता है एग्जाम में। तो ज्यादा से ज्यादा एक सरफेस पेंट होगा तो क्या होगा, जीरो सरफेस पेंट और वन सरफेस पेंट। जीरो सरफेस पेंट आपका क्या है 8 है, और वन सरफेस पेंट आपका कितना हो गया 24। तो यहाँ पर ये भी आपका कितना आ गया 32। और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे आप क्यूब के क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर, और किस टाइप के आपके क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, और यहाँ पर जो पूछा गया है वो एक कलर का पूछा गया है। जो मैंने आपको पढ़ाया है आपके एग्जाम में, वन कलर सरफेस पेंटेड ही आता है, मतलब एक ही कलर होगा पूरे डाइस पर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपके नहीं होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको समझ आया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।